आशियाई एजुकेशन हब्बानसुल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बेटा वाक्य विचार टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे थे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। उसमें हमने दो पढ़ लिए थे, विधानवाचक और निषेधवाचक। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नवाचक। देखिए, नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि जिसमें प्रश्न का बोध होता है, जिसमें प्रश्न किया जाता है, प्रश्न से संबंधी बात की जाती है, वो कौन सा वाक्य होता है प्रश्नवाचक वाक्य। परिभाषा है इसकी, जिस वाक्य में प्रश्न का बोध होता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में प्रश्न का बोध होता है तो कौन सा वाक्य कहलाता है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे राम तुम कहां जा रहे हो, यहां किसी भी व्यक्ति विशेष ने राम से पूछा है, राम से प्रश्न किया है कि तुम कहां जा रहे हो, यहां किसका बोध हो रहा है प्रश्न का। दूसरा उदाहरण है मोहन घर कब आएगा, यहाँ भी प्रश्न का बोध है कब के माध्यम से, और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगा है। यदि प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो हमारा उदाहरण क्या होगा, गलत होगा। इसके बाद आता है आज्ञावाचक वाक्य। देखिए आज्ञा, आदेश, ठीक है, अनुमति आदि का भाव व्यक्त होता है। परिभाषा इसकी, जिस वाक्य में आज्ञा आदेश अनुमति विनय आदि का भाव व्यक्त होता है आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। फिर से देखें एक बार परिभाषा, जिस वाक्य में आज्ञा आदेश अनुमति विनय आदि का भाव व्यक्त होता है आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन तुम यहां से चले जाओ, उदाहरण लिया हमने मोहन तुम यहां से चले जाओ। यहां मोहन के यहां से चले जाने का क्या दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण, राम अंदर आ सकते हो, तो यहां किसका भाव है, अनुमति का भाव। तीसरा उदाहरण, है कविता आप यहां आइए, तो यहां विनय का भाव व्यक्त हुआ है, साथ ही अनुमति का भाव भी व्यक्त। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। प्रश्नवाचक में किसी प्रश्न का बोध होता है, आज्ञावाचक में आज्ञा आदेश अनुमति विनय आदि का भाव व्यक्त होता है। आज के लिए इतना ही काफी, इसके बाद कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।